इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि विच बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ क्लैट। वीडियो के एंड में मैं ये क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा कि डू यू नीड टू बाय कोचिंग मटेरियल्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन माइसेल्फ। मैं क्लैट 2017 के लिए अपियर हुआ था एंड आई स्कोर AIR 501, मतलब ऑल इंडिया रैंक 501। आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स। 2023 में मैंने अपना खुद का क्लैट कोर्स भी लॉन्च करा है, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आउट देयर। सो दिस वॉज अबाउट मी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट बुक्स एंड सोर्सेज फॉर क्लैट। जीके। जीके में दो पार्ट्स होते हैं, करंट जीके एंड स्टैटिक जीके। फॉर करंट जीके यू कैन यूज विजन IS और दृष्टि IS प्लस क्लैट पोस्ट और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मंथली मैगजीन। दीज टू आर माय सजेशंस। बट जीके ऐसी चीज है जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद एक्सप्लोर करो, आपको कौन सा सोर्स ज्यादा सही लगता है, कौन सा आपको ज्यादा सुटेबल लगता है, यू कैन गो फॉर दैट। बट मेरी सजेशन पर्सनली ये सोर्सेज रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर यूज करते हैं करंट जीके के लिए। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा न्यूज़पेपर रीड करना फॉर करंट जीके। व्हाई? मैंने अपने एक वीडियो में इसका आंसर करा है, सो मैं उसकी क्लिप प्ले करता हूँ। सो मैंने ये कई बार कहा है कि जीके के लिए न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज बिकॉज पूरा न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आपको कुछ 5-6 जीके रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड पेज में कुछ मिल जाएगा कि नासा ने कोई नया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है। सेवन्थ पेज में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। बट ऐसे 5-6 फैक्ट्स ढूंढने के लिए पूरा न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 30-40 मिनट्स लग जाएंगे। इसी जगह आपको कोई आके बोले कि ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के न्यूज़पेपर में आए थे और मैं आपको एक पेज में ये सब लिख के दे रहा हूँ, ये काम करता है विजन IS। सो विजन IS एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो IAS IPS मतलब UPSC की प्रिपरेशन कराता है। बट वो फ्री में 2 पेजेस हर रोज अपलोड करता है, जिसमें वो द हिंदू, PIB, PRS और कई सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कॉलेक्ट करके उन 2 पेजेस में डालते हैं। सो करंट जीके के लिए ये दोनों सोर्सेज हो गए। अब स्टैटिक जीके के लिए मैं 2 चीजें बोलूंगा। फर्स्ट, बाय दिस बुक बाय पियर्सन फॉर जीके। आप ये लूसेंट वाली जीके बुक भी बाय कर सकते हो। इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ रैंकिंग सच एज वर्ल्ड बैंक, बेसिक साइंस, बेसिक हिस्ट्री एंड सो ऑन। सेकेंड चीज, बी क्यूरियस एंड यूज योर ओन रिसर्च। कभी भी किसी टॉपिक के सामने हो तो आपको और डीप जाना है, रीड करना है और उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूज आती है कि एक बिटकॉइन अब 10 लाख रुपए का हो चुका है, तो नाउ इस केस में बी क्यूरियस, व्हाट इज बिटकॉइन, हु लॉन्च्ड इट और कौन सी तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती है एंड सो ऑन। या फिर लेट्स से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोई रैंकिंग आई है तो जाके इसके बारे में रीड करो कि मतलब क्या होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एंड सो ऑन। मेहनत लगेगी, आपको बैक लिंकिंग करना पड़ेगा, चीजों में डीप जाना पड़ेगा। बट आप 2-3 महीने ये चीज कर लोगे तो जितनी भी चीजें होती है, जो बेसिक होती है, वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी 2-3 महीने में। बेसिक नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई भी वीडियो से पढ़ लो, जो चीज वहां पे आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ाएंगे, आप अगर खुद की रिसर्च से उसे पढ़ोगे तो आपको एटमैक्स 15-20 मिनट लगेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस होता है स्टैटिक जीके का और जीके का इन जनरल। आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, यू कांट रिलाई ऑन एनीवन। सो ये हो गए सोर्सेज ऑफ जीके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड इज नॉन वर्बल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए ये दोनों बुक्स सही है, M.K. पांडे एंड G.MAT.CR. बाइबल। इन दोनों बुक्स में जो चैप्टर्स है उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि अजम्पशंस क्या होता है, इन्फ्रेंसेस क्या होता है, प्रिमाइज क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है एंड सो ऑन। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी है। फॉर एग्जांपल पहले आपको ये समझा दिया जाएगा कि फ्लो इन द रीजनिंग प्रॉब्लम सेट कैसे सॉल्व करते हैं, देन उसके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करने हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपने एक बार पढ़ लिए तो अब आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। अब वो क्वेश्चंस आप कहाँ से सॉल्व करोगे? फर्स्ट इन दोनों बुक्स से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड आप जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें भी आप कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। आप मॉक टेस्ट खरीदोगे तो उसमें सेक्शनल टेस्ट भी आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड थर्ड चीज है, आपको कई सारे रैंडम सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, जैसे GMAT क्लब्स नाम से एक वेबसाइट है, LSAT की बुक्स है एंड सो ऑन, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। बट ये क्लैट में एस सच आस्क नहीं करे जाते, बट फिर भी आप पढ़ लेना। और इसके लिए ये बुक अच्छी है, M.K. पांडे वाली। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस एंड सो ऑन है, सो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने पर्सनली 2-3 बार इस बुक को सॉल्व करा था एंड आई रियली लाइक दिस बुक। नाउ पर्सनली मैं अपने कोर्स में भी क्रिटिकल रीजनिंग टीच कराता हूं 2 वेज में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड लाइव सेशंस में हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं एंड मच मोर। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, आई हैव लॉन्च माय ओन कोर्स जहां पे मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, लॉ, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। बट अपने कोर्स के बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। मैथ्स।
सो आई स्टडीड थ्रू दिस बुक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक. इसमें इजी से लेके मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, सो आई रियली लाइक देम. बहुत सारे स्टूडेंट्स 30 डेज मैथ वंडर बाय एस चांद भी प्रिफर करते हैं, बट आई पर्सनली चोज द फर्स्ट बुक. इसके अलावा डीआई टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप अड्डा 247 की एक बुक आती है डीआई वाली, उसको यूज कर सकते हो. आपको इसकी लिंक आई गेस इंटरनेट पे मिल जाएगी, यू कैन बाय इट थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो. एंड मैंने एक एक्सेल शीट की लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको बेस्ट ऑनलाइन सोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल रेशन प्रोपोर्शन बेस्ट यूट्यूब पे कहां पे टीच करा जाता है उसकी मैंने लिंक डाल रखी है एंड सो ऑन, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट. इंग्लिश में सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको एक्सपोज करना पड़ेगा अपने आपको टू क्लैट लेवल इंग्लिश. उसके लिए रीड एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर. कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल दीज आर फाइन. स्टार्टिंग आप और भी नॉर्मल न्यूज़पेपर से कर सकते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड सो ऑन. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल न्यूज़पेपर रीड मत करो जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पे फोकस करने लग जाएंगे. सेकंड चीज है कि एडिटोरियल्स के साथ स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस आल्सो. एडिटोरियल्स को रीड करने के साथ साथ अब आप क्वेश्चंस सॉल्व करना भी चालू कर दो, बिकॉज क्वेश्चंस सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट. आप कितने ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, आप अगर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड नहीं होगा एग्जाम्स के लिए. उसके लिए आप ये बुक यूज कर सकते हो, कैट इंग्लिश बाय अरुण शर्मा. इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिल जाएगी अबाउट हाउ टू बिकम बेटर इन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू बिकम बेटर इन पैरा जंबल्स एंड सो ऑन. और साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस है इस बुक में. एंड थर्ड चीज है, आप मॉक्स सॉल्व करोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो उसमें भी आपको बहुत सारे पैसेजेस मिलेंगे, उनको भी अच्छी तरह से सॉल्व करना. तो ये तीन सोर्सेज हो गए इंग्लिश के लिए. उसमें मैंने आपको एक बुक बताई है जो हो गई है कैट इंग्लिश बाय अरुण शर्मा. सो अपने आपको एक्सपोजर देते जाओ आप डिफिकल्ट इंग्लिश का, और आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो उस बुक में से जो मैंने आपको सजेस्ट करी है, यू विल बी फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल सेक्शन. लीगल सेक्शन तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा. फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉस एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स, वो आप इस बुक से रीड कर सकते हो. यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे सच एज व्हाट आर रिट्स, व्हाट इज अ पेटिशनर, व्हाट इज अ रिस्पोंडेंट एंड सो ऑन. साथ ही साथ आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे सच एज व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, व्हाट इज पॉलिटर पेस प्रिंसिपल एंड मच मोर. द सेकंड पार्ट इज लीगल जीके. तो लीगल जीके मतलब लीगल वर्ड में क्या हो रहा है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैट में जो पैसेजेस आते हैं लीगल सेक्शन में वो करंट लॉ अपडेट्स पे आते हैं बहुत बार. फॉर एग्जाम्पल 2024 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो नाउ एक पैसेज आ सकता है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करा जाएगा, और उसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ कहां से पढ़नी है लीगल जीके? फर्स्ट इज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स. बहुत बार एडिटोरियल्स लीगल अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स एंड सो ऑन. सेकंड सोर्स कुड बी विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस, यहां पे भी बहुत बार लीगल अपडेट्स को डिस्कस करा जाता है. एंड थर्ड इज लाइव लॉ ऐप. इसमें कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड न्यूज होती है, 90% चीजें आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी बिकॉज ये लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई वेबसाइट. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माय कोर्स एज वेल एज ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ टू यूज लाइव लॉ फॉर लीगल जीके प्रेपरेशन. बट टू गिव यू एन आइडिया, वो न्यूज अपडेट्स पे ज्यादा फोकस करो जिसमें से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज solving more and more questions. Here I suggest taking some material of coaching institute, because मुझे ऐसी कोई भी book नहीं मिली है जहाँ पे high quality legal section के question provide करे जाए आपकी practice के लिए. You can buy coaching material, या फिर आप borrow कर सकते हो अपने किसी friend से जिसने coaching material buy करे, तो आप उससे केवल legal section के जो materials है वो borrow कर लो instead of buying the whole material by yourself. But if you decide to go for buying, then my suggestion would be LegalEdge, as मैंने personally LegalEdge के mocks and materials use करे थे after I completed all the books that I suggested you above. And as I've tied up with LegalEdge, you can use my code Harshil15 and you'll get 15% discount across every product of LegalEdge. फिर चाहे आप mocks buy करो, materials buy करो and so on. तो ये हो गए सारे section के बारे में discussion. अब हम ये बात करते हैं कि आपको coaching material buy करने की जरूरत भी है या फिर नहीं. So I suggest कि पहले आप मैंने जो material suggest करे वो complete करो और देखो कि आप better बन रहे हो या फिर नहीं. Now how do you know कि आप better बन रहे हो या फिर नहीं? मैं बताता हूँ. For example, English में आप editorials read कर रहो, जो मैंने books करिए उससे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, एंड देन आपके मॉक्स में भी मार्क्स इंप्रूव हो रहे, देन इट मींस कि यू आर बिकमिंग बेटर इन इंग्लिश सेक्शन. एज सिंपल एज दिस. स्टार्टिंग में ही अभी सारे मटेरियल्स ऑर्डर मत कर दो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के. अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने बुक सजेस्ट करी है उसको कंप्लीट करो, देखो कि आप बेटर बन रहे हो नहीं बन रहे हो. अगर आप बेटर बन रहे हो तो फिर आपको मटेरियल्स बाय करने की ऐसा जरूरत नहीं है. बट अगर आपको लगता है कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं मटेरियल्स को और मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो फिर आप मटेरियल्स बाय कर सकते हो. मैंने भी यही करा था. सबसे पहले आई कंप्लीटेड ऑल माय बुक्स जो भी मैंने आपको सजेस्ट करी है, उसके बाद फिर मैंने मटेरियल्स बाय करे थे फॉर एडिशनल प्रिपरेशन. दिस इज माय ओपिनियन, रेस्ट इज योर चॉइस. अब फाइनली मैं बात करता हूं अपने क्लैट
2025 के कोर्स की. सो आई लॉन्च्ड माय ओन कोर्स फॉर क्लैट 2025. इस कोर्स में मैं 3 सब्जेक्ट्स टीच करता हूँ, लॉ, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. जीके एंड मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता बिकॉज मैंने खुद ने ऑनलाइन फ्री सोर्सेज से जीके एंड मैथ्स स्टडी करी थी. फॉर दैट मैटर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्सेल शीट की लिंक डाली है विद ऑल द गुड सोर्सेज फॉर जीके एंड मैथ्स, जहां से आप फ्री में ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. सो कोर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सेकंड इज लाइव लेक्चर्स एंड थर्ड इज स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियोस. रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्ट्स समझते हैं, लाइव सेशंस में हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं, एंड स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियोस आर देयर टू गिव यू स्ट्रेटजी, फॉर एग्जांपल हाउ टू सॉल्व मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स एंड सो ऑन. इसके अलावा हमारा एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपके जो भी डाउट्स है वो सब सॉल्व करते हैं. ओवरऑल मैंने कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं ली थी क्लैट के लिए, एंड दिस इज व्हाई आई लॉन्च्ड दिस कोर्स विच आई थिंक वुड बी टोटली इनफ फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन. क्योंकि क्लैट ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कोई एक्सपेंसिव कोचिंग की जरूरत नहीं होती है. जितना आपको सपोर्ट की रिक्वायर्ड है वो ये कोर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा. दिस इज माय गारंटी टू यू. आई सजेस्ट कि आप डेमो लेक्चर्स देखो कोर्स के जाके, लाइव सेशंस जो मैंने लिए थे वो आप जाके देखो कोर्स के. यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई विल सी यू इन द कोर्स.